नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक है कि डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत की घोषणा के आधार पर क्या किसी आरोपित व्यक्ति को सजा सुनाया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, कैन डाइंग डिक्लेरेशन बिकम सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। तो फ्रेंड, आज को टॉपिक को समझने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनका विवाह 2004 में हुआ। 6 साल बाद सुबह के समय वाइफ वॉज गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। वाइफ को हॉस्पिटल एडमिट किया गया और ये कहते हुए किया गया कि सी हैज़ कंज्यूम्ड अननोन एसिड एट मैट्रिमोनियल होम, यानी अपने मैके में ही उसने कोई ऐसा अनजान सा एसिड जो है वो पी लिया है। ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटीज। सब इंस्पेक्टर आए हॉस्पिटल में और उन्होंने पाया कि बी जो है वो बोलने में असमर्थ है क्योंकि एसिड बर्न की वजह से उनका ठोट जो है पूरी तरह से जल चुका है और वो काम नहीं कर रहा है। इवन ऑन हिज सब्सिक्वेंट विजिट, बार कई बार भी गए लेकिन फिर भी जो है वो पुलिस उस बी विक्टिम बी का जो है कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आफ्टर में बाद में सब इंस्पेक्टर वॉज अनेबल टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट फॉर द अपोसिट रीजन क्योंकि बोल नहीं पा रही थी। ऑन द फिफ्थ डे, पाँचवें दिन जो है हेड कॉन्स्टेबल को हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया जिससे कि वो पेशेंट को ख्याल रखे। और उसी दौरान जो है उस कॉन्स्टेबल ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया कि एसिड जो है वो खुद से नहीं पी थी बल्कि आरोपित व्यक्ति जिसका आरोप लगा रहे उसने जो है जबरदस्ती इसको मुंह में डाल दिया है। और इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन भी हुआ कि जो है उस बी का 498A और 307 IPC के अंतर्गत अटेम्प्ट टू मर्डर और क्रूअल्टी के आधार पर रजिस्ट्रेशन भी उस अक्यूज के खिलाफ हुआ जो बी को प्रताड़ित किया था। जब सब इंस्पेक्टर जो है मैट्रिमोनियल होम पे गए, बी के मायके में गए, तो वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पाई गई जिससे ये पता चलता हो कि बी का इसकी वजह से उनको गले में या थ्रोट में कोई नुकसान पहुँचा है। ऐसा कोई चीज़ उनको प्राप्त वहाँ से नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो SIA सब इंस्पेक्टर है वो मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट किया रिपोर्ट लिखने के बाद फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ बी। मजिस्ट्रेट हॉस्पिटल में आए, उन्होंने डॉक्टर की ओपिनियन पे ये पाया कि पेशेंट जो है यानी बी वो कौन से स्टेट में है और वो कोई भी चीज़ बोलने में अभी सक्षम है। मजिस्ट्रेट जब हॉस्पिटल में पहुँच गए तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन जो है प्रिलिमिनरी क्वेश्चन बी के समक्ष रखा और उसके आधार पर उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। ऑन द बेसिस हस्बैंड एंड हिज 3 family members वर अरेस्टेड और उसी स्टेटमेंट के आधार पे हस्बैंड और उनके 3 सदस्य घर के सदस्य थे वो मेंबर्स अरेस्ट कर लिए गए। उसके पश्चात दे आफ्टर बी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, बी जो है उसका देहांत हो गया। हर डेड बॉडी वॉज सब्जेक्टेड टू पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी किया गया। ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब अन्वेषण कम्प्लीट हो गया तो चालान जो है न्यायालय में पेश किया गया। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट रियलायंस पेश की गई कि ऑन द एविडेंस लेड बाय द प्रोसिक्यूशन जो अन्वेषण मिला और साथ ही साथ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर आरोपित व्यक्ति पे 498A और 307 का धारा चार्ज फ्रेम किया गया। ऑन द अदर हैंड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंस अक्यूज के पक्ष में डिफेंस ये लिया गया कि नो रिलायंस कैन प्लेस ऑन द DD। उन्होंने कहा डाइंग डिक्लेरेशन जो है उस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि एज मेडिकल एविडेंस जो है डज नॉट शो द विक्टिम वॉज इन पोजिशन टू गिव एनी स्टेटमेंट, क्योंकि जिस तरह से थ्रोट बी का जल चुका था वो बोलने असक्षम थे, तो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जो है विक्टिम कैसे दे सकती है। और इसी आधार पे मेडिकल ग्राउंड पे ही उन्होंने ये आरोप ये डिफेंस लिया कि जो DD बनी है ये रिलायबल नहीं है और इस कांट बी टेकन इंटू कंसिडरेशन फॉर एनी जज। अब डाइंग डिक्लेरेशन को
सही समझने के लिए हमें इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 को देखना पड़ेगा, उसके प्रावधान को देखना पड़ेगा, जो कि इस तरह से पढ़ा जाता है। वो ये है कि केसेस इन विच स्टेटमेंट रिटन और वर्बल रिलेवेंट फैक्ट मेड बाय पर्सन हु इज डेड और कैन बी फाउंड, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट चाहे रिटन हो चाहे वर्बल हो, वो सुसंगत फैक्ट हो गए बाय द पर्सन, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो तो या तो जिसका देहांत हो गया है और जो जिसको खोजना या उसे कोर्ट में बुलाना संभव नहीं है, और हुए बिकॉज इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या ऐसा हो गया है कि ऐसे व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है जो इनसक्षम हो गया है, यानी इस वक्त इस पोजिशन पर नहीं है कि वो कोई साक्ष्य दे सके, और जिसका अटेंडेंस कैन बी प्रोक्योर्ड विदाउट एनी अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, और जिसको न्यायालय में प्रस्तुत करने में अननेसेसरी डिले होगा, एक्सपेंस होगा, और ऐसी परिस्थिति है कि उसका स्टेटमेंट ही इस वक्त साक्ष्य के तौर पर पेश की जा सकती है, उस व्यक्ति को पेश करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर कोर्ट को लगता है कि उसको बुलाना, जो कि जिसका देहांत हो गया है या जिसे पाना मुश्किल है, जिसको बुलाना मुश्किल है, और इट इज़ अनरिजनेबल टू बिन डेड पर्सन, तो ऐसे मामले में स्टेटमेंट जो दिया जाता है वो रियल इनफैक्ट माना जाता है। लेकिन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, तो ये सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 कहता है डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मृतक घोषणा, यानी कि व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन, यानी कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जस्ट बिफोर हिज और हर डेथ, अपने मरने से जस्ट पहले, ठीक है। पहला, एज टू द कॉज ऑफ हिज हर डेथ, या तो अपने कारण को बताते हो कि किसकी वजह से उसका डेथ हुआ है या होने वाला है, और एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, या ऐसे कोई ट्रांजेक्शन या परिस्थिति बताएं जिसमें इस ट्रांजेक्शन से संबंधित हो, उन परिस्थिति में ऐसी बात बताई जाए जिस परिस्थिति की वजह से उनका देहांत हो चुका है। तो ऐसा स्टेटमेंट या बयान जिसमें डेथ का कारण या ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति में उनका देहांत हो गया है, तो ऐसे स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। और सच स्टेटमेंट आर रिलेवेंट इवन वेदर द पर्सन हु इज मेड देम वॉज और वॉज नॉट एट अ टाइम व्हेन दे वर मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ऐसा स्टेटमेंट तभी रिलेवेंट होता है जब भले ही आशंका ना हो तो भी कि उनका देहांत होने वाला है, तो भी ऐसा स्टेटमेंट रिलेवेंट होता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं होगा। अगर जीवित रह जाते हैं स्टेटमेंट देने वाले तो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं होगा, बल्कि कोरोबोरेटरी या कंफर्मेशन करने के लिए या उसको डिनाई करने के लिए सेक्शन 145 और 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में उसका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मृत से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट होता है। बस कंडीशन इतना ही होता है कि जो भी स्टेटमेंट या बयान दे रहा है या दे रही है वो स्वेच्छा से दी हुई हो और सत्यता उसके अंदर होना चाहिए। स्टेटमेंट देखने में ऐसा लग रहा है कि वो स्वेच्छा से दी गई हो और रिलायबल हो और किसी दबाव में वो बयान न दी गई हो, तभी वो एक सब्सटेंटिव एविडेंस यानी सारवान साक्ष के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब अपने दिए गए प्रश्न के उत्तर पे आते हैं। तो जो ये अक्यूज का डिफेंस है कि सिंस जो बी है उसके एसिड बर्न होने वजह से थ्रोट यानी गले में इतना जलन हो चुका था कि वो बोलने में असक्षम थे, और खुद सब इंस्पेक्टर जो है कई बार हॉस्पिटल विजिट किए लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रही थी। तो ऐसे में कोई एक स्टेटमेंट देता है तो कैसे स्टेटमेंट देगा कोई, ये उनका डिफेंस है, ठीक। लेकिन जब मजिस्ट्रेट महोदय पहुंचे तो उनके समक्ष उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उनके स्टेटमेंट के आधार पर अक्यूज्ड और उनके फैमिली मेम्बर को अरेस्ट किया गया 498 में और 307 में। और अगर कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वॉलंटरी दी गई है, किसी दबाव में नहीं लिया गया है, डैट इज़ रिलायबल एंड ट्रुथफुल है, तो उसके आधार पर आरोपित व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। इट कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। इसलिए डीडी ये कहना मेटल ग्राउंड पे कि डीडी जो है वो रिलायबल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि डीडी एक ऐसा पीस है, डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा पीस ऑफ एविडेंस है जो कि अनटेस्टेड होता है,
इसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दिया वो है ही नहीं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा। इसलिए ये अनटेस्टेड एविडेंस होता है और एनी अदर एविडेंस की तरह रिकॉर्ड को सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ ये ट्रूली और वॉलंटरली किया गया है, किसी दबाव में नहीं की गई है, स्वेच्छा से की गई है, और जिस समय स्टेटमेंट दिया जाए तो उस समय जो है जो स्पीकर है जो पर्सन है डेट वॉज मेडिकली कॉन्शियस। क्या दे रही है वो इस बात को जान रही थी, कॉन्शियस थी वो, मेडिकली साउंड माइंड थी, तो फिर ऐसे डाइन डिक्लेरेशन पे रिलाई करके अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 498 ए और 307 विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 304 बी यानी डाउरी डेथ। अपेक्स कोर्ट ने भी इन वडिकुप्पल श्रीनिवास वर्सेज आंध्र प्रदेश 2009 सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह 498 ए और 304 बी आईपीसी के अंतर्गत यानी डाउरी डेथ का आधार पर अक्यूज को कन्विक्ट किया था, और उन्होंने भी ये पाया था कि डाइन डिक्लोरेशन वॉलंटरली किया गया है और ऐसी कोई सस्पेंस या ऐसा कोई डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है कि किसी को स्टेटमेंट से फंसाया जा रहा है, और वो कॉन्शियस थी स्टेटमेंट देने के दौरान, मेडिकली साउंड थी, ट्रुथ था, रिलायबल है, तो इसके आधार पर जो है अक्यूज का कन्विक्शन हो सकता है। यानी कि इफ डेड इज रिलायबल अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन टू कोर्ट तो इट कैन फॉर्म द सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन फॉर द अक्यूज्ड। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो पे हम नए प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।